ओहो मैदा वाला भी फुल भगा रहा है। ओहो भाई साहब धीरे यार। भाई क्या बात है, KTM लेके मैं आगे नहीं निकल पा रहा यार। ओह क्या बात है ब्रो, उधर से निकल गया। तो हेलो गाइस, कैसी है अपनी पब्लिक, होप करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। सो वेलकम है एक न्यू मस्से क्रेजी व्लॉग में। तो आज की राइड हो रही है KTM पे, सो लेट्स सी गाइस की राइड कैसी रहने वाली है। सो गाइस देखते हैं यार, अभी तो जाके आते हैं चौहाल की तरफ। अभी ना पहले मेरा मन था कि आज चौहाल की तरफ रहने देते हैं, आज कहीं और जाके आते हैं, बट सीन ऐसा हुआ कुछ कि दुष्यंत भाई से मैंने पूछा तो वो बोल रहे थे कि भाई मुझे जरा काम है तो मैं नहीं आ सकता। सो इसलिए मैंने सोचा कि अब की राइड चलो KTM पे करते हैं फिर, ब्लूबेरी पे तो बहुत राइड्स हो गई हैं। अभी तो KTM में भी फ्यूल है ही नहीं है, कम क्या है मतलब बहुत ही ज्यादा कम है। देखते हैं फ्यूल वगैरह डलवाते हैं इसमें। मैं सही में बोलूं ना, शिवम इतना वो बंदा है ना, इसको पता है जिस दिन मैंने बाइक लेके जानी है ना फ्यूल डलवाएगा ही नहीं। इसको पता है भाई छोड़ो यार क्या फ्यूल डलवाना, वो खुद ही डलवा ही लेगा। कोई बात नहीं, ओनली 100 रुपए का फ्यूल ही डलवाएंगे, 100 का फ्यूल बस। ओहो भाई साहब, ओ खतरनाक खतरनाक। इसका जो स्टार्टिंग पिकअप है ना, जो ये बंदे को मतलब ना एकदम से उठा के आगे को मारती है, बहुत खतरनाक यार। बाकी तो गाइस अभी हम थोड़ा सिटी वगैरह में हैं, बाकी देखते हैं अभी यहाँ से निकलते हैं चौहाल की तरफ। और गाइस यार मैं बताना भूल गया, मैंने कुछ राइडिंग ग्लव्स लिए हैं, तो कमेंट करो कैसे लग रहे हैं। मैंने ब्लू वाले गाइस इसलिए लिए हैं, ब्लू वाले लाइक हमारी ब्लूबेरी भी ब्लू ही है और ग्लव्स भी ब्लू। ज़्यादा इसको खींचना नहीं चाहता, फ्यूल आगे बहुत कम है, बस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। वैसे एक बात है, आप भी सोच रहे होगे कि भाई हर व्लॉग चौहाल का ही करते रहते हो यार। तो गाइज यार बात ऐसे है, मैं सीरियसली एक बात बोलूँ तो अभी जो हमारे यहाँ पे होशियारपुर की तरफ जो मतलब पहाड़ वगैरह मिलते हैं ना, जो बहुत पास में है, सो चौहाल की तरफ ही है जो बहुत पास में पहाड़ वगैरह पड़ जाते हैं। बाकी अगर आप ऊने वाली साइड देख लो तो ऊने वाली साइड आपको बहुत दूर पड़ेगा। अगर अभी मैं ऊने वाली साइड जाऊँ तो मुझे जाते जाते ही अंधेरा हो जाएगा, मे बी जब तक मैं पहाड़ों तक पहुँच पाऊंगा तब तक पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो मतलब कि वीडियो क्वालिटी में फिर कुछ भी नहीं देखेगा यार, कुछ मजा ही नहीं आएगा देखने में। बाकी आज ब्लूबेरी हमारी थोड़ी रेस्ट पे गई हुई है। एंड यहाँ ब्रेजा वाले के साथ खतरनाक रेस लग रही है, ब्रेजा वर्सेस KTM हो चुका है। ओहो ब्रेजा वाला भी फुल भगा रहा है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। बट लेकिन KTM के साथ कोई पंगा नहीं ब्रो, KTM के साथ कोई पंगा नहीं। फिर भी गाड़ी बाइक का बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी ये ब्रेजा के मुकाबले का नहीं है, बाकी राइडर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम डलवाएंगे फ्यूल। तो फाइनली गाइस फ्यूल डलवा लिया हमने, राइड कंटिन्यू करते हैं। फ्यूल डलवाया ना मैंने, मैंने बोला 100 का बंदा देखने लग गया, भाई KTM पे 100 का फ्यूल डलवा रहे हो, मतलब स्पोर्ट्स बाइक में यार 150 का फ्यूल कौन डलवाता है, हम डलवाते हैं भाई। तो गाइस ये आई फर्स्ट चढ़ाई हमारा टी पॉइंट, लेकिन आज हमने चाय नहीं पीनी है क्योंकि ऑलरेडी मैं घर से मतलब खाना पीना सब करके ही आया था आज राइड पे। वैसे तो हर बार डरता नहीं हूँ क्योंकि हर बार लेट हो जाता हूँ, बट आज हमने खाना वाना सब फुल करके घर से निकला था। मैं 100 का फ्यूल डलवाया तो एक सेल चढ़ा, सिर्फ एक सेल भी बहुत है भाई हमारी राइड के लिए। अभी मैं उसको बाइक देने वाला हूँ ना बिल्कुल खाली करके दूंगा। अगर KTM की बात की जाए तो भाई लोग ये एक ट्रैक मशीन है, तो ट्रैक पे आप जितना भी इसको लीन करना चाहते हो करो, कोई सीन नहीं है। एंड किसी दिन ना हम राइड मारने वाले हैं R15 एंड KTM पे, उस दिन खतरनाक वाला ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि उस दिन फुल टू फुल रैश राइड करेंगे एंड रैश राइड पे राइडर होंगे मैं और दुष्यंत भाई। तो देखते हैं लेट्स सी कि क्या सीन रहता है राइड का, वो राइड ना पूरी भवाल होने वाली है, खत्म राइड इसको बोलते हैं ना।
बाकी यार गाइस यार हमारी डेली व्लॉगिंग की सीरीज, मैंने बोला था कि डेली एक व्लॉग आएगा, बट हमारी स्पीड फिर भी स्लो है क्योंकि अभी ना गाइस यार बहुत मुझे चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी पढ़ाई वगैरह का भी देखना है, तो जिम वगैरह की इसने स्टार्ट कर दी है, राइड्स वगैरह डेली की नहीं बोल सकता मैं, बट हाँ वन डे छोड़ के टू डे छोड़ के मेरा एक एक व्लॉग आता रहेगा। मैं जरा मतलब बातें कर रहा था ना तो जरा स्लो सी चल रहा था। A few moments later. Oh my God, मैं भी लगता है भाई को रेस करनी है। KTM versus Splendor. बस यार डर मुझे एक ही बात का लगता है कि गिर ना जाएं, क्योंकि बिना किसी राइडिंग गियर्स के हमें कोई भी राइड नहीं करनी चाहिए। से थोड़ा सा आगे जाके ना आपको रोक के कहीं दिखाते हैं। कुछ दिन पहले KTM का एक्सीडेंट भी हो गया था। A few inches later. ओहो, क्या बात है ब्रो, एंडलेस। ओहो क्या बात है ब्रो, लीनिंग यार, लीनिंग खतरनाक खतरनाक लीनिंग वगैरह भाई की चेक करो, लीनिंग रोलिंग कटिंग क्या बात है भाई, लीन चेक करो यार, क्या बात है, वेल डन। साथ में थूकते रहो, ऐसे बंदों के साथ ना राइड करने का मजा आ जाता है यार, एंडलेस एंडलेस। भाई क्या बात है, KTM लेके मैं आगे नहीं निकल पा रहा यार। ओहो हो भाई साहब धीरे यार, एंडलेस ब्रो एंडलेस। ओहो ओहो एंडलेस ब्रदर, ओह क्या बात है ब्रो, उधर से निकल गया, हम भी निकलते हैं फिर। बहुत खतरनाक चल रहा है यार, बहुत सुपर। देखो अभी तक निकल भी गया, दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। अभी हम तो कॉफी हाउस तक पहुंचने लगे हैं, देखते हैं कॉफी हाउस तक पहुंचते हैं। पहुंच चुके हैं कॉफी हाउस, लेकिन आज हमारा खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम घर से खा पी के आए हैं। सो हेयर इज ओवर बाइक, देख रहे हो नेक्स्ट से मैं बताने वाला था। सो यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये एक्सीडेंट हो चुका है, मतलब ना यहाँ से मिरर भी टूट चुका था, सो मिरर्स भी उतारने पड़े। बाकी यहाँ से बाइक टूटी हुई है, ये देखो वाइजर इसका टूट चुका है, तो यहाँ से भी मतलब पूरी डैमेज हुई थी। देखते हैं यार यहाँ पे थोड़े टाइम तक रुकते हैं फिर निकलते हैं घर को। ऐसे बाइक को देखोगे ना मतलब बहुत अग्रेसिव लुक लगती है यार ना, हम सोच रहे हैं इसके ना यहाँ पे प्रोजेक्टर्स जो है ना यहाँ पे सारे मतलब या तो वाइट्स या फिर रेड प्रोजेक्टर डलवाए जाएं। सो कमेंट करो यार कि हमें ये चीज़ डलवानी चाहिए या नहीं डलवानी चाहिए। सो फाइनली गाइस देखते हैं, थोड़े टाइम तक निकलते हैं। सो गाइस इस वाले पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो के लिए खुश रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।